हे गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने अपने इस चैनल पे व्लॉग नहीं डाला है कई दिनों से, क्योंकि मैं अपने स्टडी को लेके थोड़ा यार बिजी था। मैंने नए स्कूल में एडमिशन ले लिया है। खैर, इसके बारे में मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा। और जैसे कि ये वीडियो व्लॉग नहीं है, मैं जैसे कि आप जानते ही होंगे अगर मेरे चैनल पे बहुत दिनों से बने हुए हैं, तो कि मैं जब भी एग्ज़ाम दे के आता था, सीबीएसई बोर्ड का कोई भी 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम 2018, तो मैं ज़रूर उसका एक रिएक्शन वीडियो बनाता था। तो बस उसी रिएक्शन वीडियो के चलते मैंने सोचा कि यार जब डिक्लेयर हो गया रिजल्ट कब आने वाला है, मुझे पता लग गया, तो जो यूट्यूब पे बेकार की वीडियोस को देख के लोग जो गुमराह हो रहे हैं उनको मैं बचा लूँ और फिर असली रिजल्ट बता दूँ कब आने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को मैंने बना लिया यार। और कुछ नहीं है इस वीडियो में, बस मैं ये बताने वाला हूँ कि 12th का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है 28 मई को। ठीक है, 28 मई को 12th का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। एंड 28 मई, मुझे लगता है 8 दिन बाद 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और हमारा जो 10th का रिजल्ट है बोर्ड का 2018 का रिजल्ट, वो डिक्लेयर होगा 30th ऑफ मई, 30 मई को, आज से 10 दिन बाद। 30 मई को, एकदम याद रखिए, 30 मई को 10th, 28 मई को 12th। और अगर 10th का श्योर नहीं है, 12th का तो 90% श्योर है, 10th का 70% श्योर है कि उस दिन डिक्लेयर होगा। अगर उस दिन नहीं होता तो 3 जून को भी हो सकता है, 5 जून को भी हो सकता है, और 8 जून को भी हो सकता है, पर मोस्ट प्रोबेबली 30 जून को ही, 30 अप्रैल को ही होगा। 30 अप्रैल, सॉरी यार, 30 मई को ही होगा, सॉरी, थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब था। तो बस इस वीडियो में इतना ही है कि आप लोग गुमराह मत होइए यार, 28 मई 12th, 30 मई 10th, ये एकदम कंफर्म है। इस वीडियो को यार देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने इस वीडियो को देख कर कुछ भी जानकारी हासिल की, जानकारी क्या, रिजल्ट के बारे में कुछ भी जाना है और कुछ भी तरीके से अच्छा लगा वीडियो, तो सब्सक्राइब करना तो आपका हक है, जो आप इंडिया वाले छोड़ते नहीं है, तो सब्सक्राइब जरूर करना और गिव इट अ बिग थम्स अप अगर आपको अच्छा लगा तो, और शेयर करना तो आप भूलते नहीं है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।